नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल चूल्हा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मलाई चाप, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वीट है। मलाई चाप बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए: दूध, नींबू का रस, खोआ, चीनी, केसर, मैदा। मलाई चाप बनाने के लिए सबसे पहले दूध को गर्म करते हैं फुल टेम्परेचर में। मैं यहाँ पर 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। हम इसे बीच बीच में चलाते हुए दूध को उबाल लेंगे। दूध के उबलते तक नींबू का रस तैयार कर लेते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे नींबू का रस पहले से ही निकाल के रख ली हूँ, तो चलिए इसे मेजरमेंट करते हैं। मैं यहाँ पे 2 चम्मच नींबू का रस ले रही हूँ। इसमें 2 चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ और इसे मिला लेंगे। इस नींबू और पानी के घोल से हम दूध को फाड़ेंगे। अभी दूध में पूरी तरह से उबाल नहीं आया है, मैं इसे बीच में ही चला ले रही हूँ ताकि नीचे से दूध चिपके ना और ऊपर से भी मलाई ना आए। इसी तरीके से आप भी बीच में चलाते हुए दूध को एक उबाल आने तक गर्म कर लीजिए। हमारे दूध में एक उबाल आ चुका है, अब हम इंडक्शन बंद कर लेंगे। गर्म दूध को हमें तुरंत नहीं फाड़ना है, इसे 2 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। 2 मिनट ठंडा करने के बाद ही हमें दूध को फाड़ना है। मैं यहाँ पर गर्म दूध बिल्कुल थोड़ा सा निकाल ले रही हूँ केसर के धागे भिगाने के लिए। अब इस बाकी दूध को 2 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे, उसके बाद फाड़ेंगे। मैं यहाँ पे गर्म दूध में बिल्कुल थोड़ा सा केसर के धागे डाल के इसे भिगा ले रही हूँ ताकि आगे यूज किया जाए। दूध है वो हल्का ठंडा हो चुका है, अब हम इसे फाड़ेंगे। नींबू और पानी के घोल को हम बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही डालते जाएँगे और इस तरीके से चम्मच की सहायता से चलाते जाएँगे। आप देख सकते हैं दूध भी फटना शुरू हो चुका है और दूध छेने और पानी अलग हो चुके हैं और पानी का कलर भी पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब बचे हुए हम नींबू के घोल को नहीं डालेंगे। इस तरीके का एक बर्तन ले लेंगे, इसके ऊपर हम छन्नी रखेंगे। आप कोई भी इस तरीके का बड़ी छन्नी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सूती के कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप सूती या मलमल कोई भी कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और फटे हुए दूध को छान लेंगे इस तरीके से चारों तरफ कपड़े पकड़ के, इसका पानी हम निकाल लेंगे। चलिए, अब हम इस छेने को धो लेंगे। इसमें हम ठंडा पानी डाल के इस तरीके से बिल्कुल इसका खट्टापन हटने तक धो लेते हैं। इसी तरीके से 2 से 3 बार इसे धोना है। अब हमने छेना को धो लिया है, अब इस तरीके से चारों तरफ से कपड़े पकड़ के हम इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से निचोड़ते हुए पानी पूरी तरह से निकाल लेंगे। आप इसे 15 मिनट के कहीं पे लटका के भी पानी निकाल सकते हैं, या इस तरीके से आप निचोड़ के पूरा पानी इससे निकाल लेना है, या आप इस तरीके से कोई भी छन्नी के ऊपर इस कपड़े में रखे हुए छेने को वजन चीज से इस तरीके से दबा के आप 15 मिनट छोड़ दीजिए, पूरा छेने का पूरा पानी निकल आएगा। अब हमने छेना से पूरा पानी निकाल दिया है, अब इसे बर्तन में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखा छेना है। आप छेना से पूरा पानी निकाल लें या आपका मलाई चाप सही तरीके से नहीं बन पाएगा, बिल्कुल सूखा छेना होना चाहिए। अब हम इसे हथेली की सहायता से 10 मिनट के लिए मसल लेंगे। इस तरीके से हम इसे अच्छी तरीके से मसल लेंगे, बिल्कुल चिकना इसे करना है मसल के इसे हमें। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून मैदा डाल लेंगे और इसे मिला लेंगे और इसको और भी मसलेंगे। हमने इसे पहले 2 मिनट के लिए मसला था, अभी और मसलना है इसको, एकदम चिकना डो तैयार करना है। इसी तरीके से हम इसे अच्छी तरीके से मसल लेंगे। इस छेने को मसलते हुए 10 मिनट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं मेरे हाथों में छेने का घी भी आना शुरू हो चुका है और अब हम इसे नहीं मसलेंगे, पूरी तरह से मुलायम हो चुका है। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। चलिए, अब हम मलाई चाप को पकाने के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 लीटर दूध में 160 ग्राम चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ और ठीक उसी कप से मैं 5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे फुल टेम्परेचर में चाशनी तैयार करेंगे। चीनी को हमें सिर्फ उबालना है, ज़्यादा पकाना नहीं है।
चलिए अब हम चाशनी तैयार होने तक छेना से मलाई चाप बना लेते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा छेना का भाग ले लेंगे और मलाई चाप तैयार करेंगे। बिल्कुल चिकना मलाई चाप बनाना है हमें। आप चाहें तो कोई भी शेप का मलाई चाप बना सकते हैं। मैं इस तरीके से गोल करके हल्के हाथों की सहायता से प्रेस कर लूँगी, ऐसे इस तरीके से गोल मलाई चाप बनाऊँगी। इसी तरीके से बाकी के सारे हम मलाई चाप तैयार कर लेंगे। अब हमने सारे मलाई चाप बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे चाशनी में पकाएंगे। अब हमारे चाशनी में भी उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसे सारे मलाई चाप को एक एक करके पकाएंगे। हम एक एक करके ही सारे मलाई चाप डालेंगे ताकि चाशनी का टेम्परेचर है वो कम ना हो। हमने सारे मलाई चाप चाशनी में डाल दिया है। अब हम इसे ढक के 15 मिनट के लिए पका लेंगे। आप बीच में इसे चेक कर लीजिए। जब तक हमारा मलाई चाप तैयार हो रहा है तब तक हम खोआ और केसर वाला दूध को मिक्स करके तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पे गर्म दूध में केसर डुबा के रख ली थी। अब इसको मैं खोआ में डाल देती हूँ। आप चाहे तो फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बिना फूड कलर बिना केसर के भी आप मलाई चाप बना सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमने केसर वाला दूध और खोआ को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम अपने मलाई चाप को चेक कर लेते हैं। हमारे मलाई चाप को पकते हुए 8 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं मलाई चाप भी पहले से दोगुने साइज के बड़े हो चुके हैं। आप चाहें तो इसे चम्मच की सहायता से हल्के हाथ से पलट के पका सकते हैं या बिना पलटे भी पका सकते हैं। अभी हमें इसे और भी टाइम के लिए पकाना है, इसलिए इसे ढक के और भी टाइम के लिए पका लेते हैं। अब हमारा मलाई चाप बन के रेडी हो चुका है। अब हम इंडक्शन बंद कर लेते हैं। हमने मलाई चाप को पकाने के लिए 1100 टेम्परेचर में का ही पूरे समय पकाते तक इस्तेमाल किया है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा मलाई चाप है रूम टेम्परेचर में ठंडा हो चुका है। अब हम इसे निकालते जाएंगे। हम इसे निकालते इस तरीके से हल्के हाथों से दबाते हुए इसका शुगर सिरप को पूरे निकाल देंगे और रखते जाएंगे प्लेट में। इस तरीके से हल्के हाथों से दबाते हुए सारे शुगर सिरप इसके निकालेंगे। इसी तरीके से सारे हम मलाई चाप से शुगर सिरप निकाल लेंगे। अब हम सारे मलाई चाप को बीच से इसी तरीके से काट लेंगे। इसी तरीके से सारे मलाई चाप काट लेना है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी जाली बनी हुई है। अब हमने सारे मलाई चाप इसी तरीके से काट लिए हैं। चलिए अब हम बीच में स्टफिंग भरेंगे। अब हम इन सभी के बीच में इस तरीके से हाथों की सहायता से खोआ मावा और केसर वाला दूध से मिला हुआ मिक्सचर को इस तरीके से डाल लेंगे। इसको हल्के हाथ से प्रेस कर लेंगे। इस तरीके से साइड से बराबर कर लेंगे। इसी तरीके से सारे हम मलाई चाप तैयार करेंगे। अब हमारा मलाई चाप बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए रेसिपी आपको कैसे लगी।